So guys, आप देख सकते हो बाहर से कि मंदिर कितना प्यारा सा लग रहा है, एकदम दुल्हन की तरह सजाए हुए हैं मंदिर को। सो अभी मैं इसके अंदर जाती हूँ और देखती हूँ अंदर से ये कैसे दिखता है। बाहर से तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो मंदिर के अंदर आते ही मैं सबसे पहले प्रसाद ली हूँ जाकर कान्हा जी को चढ़ाने के लिए। तो मैं प्रसाद लेकर कान्हा जी के लिए फूल माला और मोरपंख लेके जा रही हूँ अंदर चढ़ाने के लिए। जब तक मैं ले रही हूँ तब तक आप पीछे का व्यू देख लो कितना प्यारा डेकोर हुआ है। अभी मैं अंदर का व्यू फिर दूंगी आपको, तो आप देख के आनंद लेना कि कितना मज़ा आ रहा है। सो मैं अभी अंदर जा रही हूँ और ये देख सकते हो आप अंदर का व्यू कितना प्यारा है। सारे लोग कितनी खुशी से एकदम मजे कर माहौल का मजा लो। तो आप लोग भी आ सकते हो। मुझे भी पता चला है कि यहाँ पे लगातार 2 दिन तक प्रोग्राम चलेगी, आज और कल परसों भी। तो आप लोग कल भी आ सकते हो, परसों भी आ सकते हो। 12 बजे रात तक खुली रहेगी मंदिर, आप भी उसमें डांस कर सकते हो अपना प्रसाद और अपने फैमिली फ्रेंड सबके साथ आओ मजे करो। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। सो मैं सोची आप लोग के लिए भी ये वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग भी जो कोई ना आ सके वो दूर से ही देख के इंजॉय कर सके। सो यहाँ माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, देख सकते हो आप लोग सब कुछ कितने झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अभी टाइम 11 बज रहा है, तो अब थोड़ी देर में मंदिर बंद होने वाली है। कितना प्यार से बैठ के कीर्तन कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि इस जन्माष्टमी उत्सव का मज़ा उठा रहे हैं। और आप लोग भी आइए अपने दोस्त फैमिली सब और यहाँ आके इंजॉय कीजिए, कीर्तन कीजिए, नाचिए, गाइए सबके साथ और रेडी होकर आइए। सबको यहाँ पे बहुत अच्छे से प्यार हो गया है। तो आज के लिए इतना है क्योंकि 12 बज चुका है और आप लोग को पता है 12 बजे क्या होता है, छोटे से लड्डू गोपाल का जन्म होता है, इसलिए पट बंद हो चुका है। अब आप लोग कल आके यहाँ पे एंजॉय कीजिए, कृष्ण राधा बन के आइए, अपना फ़ोटो सेल्फी सब लीजिए, वीडियो लीजिए और माहौल का एंजॉयमेंट कीजिए। सो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना दोस्तों, मोटिवेशन मिलते रहता है तो अच्छा लगता है बनाने में। आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल बन के आए हुए हैं छोटे छोटे। सो आज के लिए इतना ही। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अब घूम के और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। सो मुझे प्रसाद मिली है वहाँ की चढ़ी हुई और मैं खा के देखती हूँ उसका टेस्ट क्या है। टेस्ट वाकई बहुत ही यम्मी है जैसा होना चाहिए। और मैं कुछ रोटी चलाई थी और कुछ मोरपंख ये सब चलाई थी और काफ़ी ज़्यादा